सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का क्या कहती है, इसमें कितने साल की सजा है, क्या नहीं है, सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। इसे शुरू से लेकर एंड तक आप देखिए। और अभी तक हमारे चैनल में प्लीज आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर ले, जिससे जो भी नया मेरा वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगी। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, आप इसे ध्यान से सुने। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के इसमें कितने साल की सजा है और किस प्रकार किस व्यक्ति पर यह लागू होती है, इसे आप जानोगे दोस्तों। अगर 376 के की बात करें, अगर कोई पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, दो तीन सालों से अलग रह रहे हैं, तो वह अगर वो व्यक्ति अलग रहते हुए शारीरिक संबंध बनाता है तो पत्नी उसके ऊपर 376 का केस दर्ज करा सकती है। क्योंकि 376 के भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के में स्पष्ट कहा गया है, अगर अपनी कोई भी व्यक्ति पत्नी से अलग रहता है, बाद भी उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, ऐसा दुष्कृत्य करता है, तो उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये जब होगा, जब पति पत्नी कई सालों से अलग रहते हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, तो उसे 2 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन ये साबित करना जरूरी है, मान लो दोनों में अलग रहते हुए भी शुरू से लेके अभी तक वो शारीरिक संबंध बनाते आ रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो वो लागू नहीं होगा, उसे सजा नहीं हो सकती। लेकिन दोनों की अनबन चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो उनके खिलाफ उसकी पत्नी सेक्शन 376 के में FIR दर्ज करा सकती है, उसे 2 साल की सजा प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी इस प्रकार के कृत्य करने से पहले आपको सोचना चाहिए किस धारा में कितना केस सजा होती है, क्या नहीं होती, सारी चीज़ें आपको जान लेना चाहिए। मैं इसी प्रकार Part 1 ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसी के साथ Part 2 Part 3 सारा 376 में जितने भी उपधारा है उनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।